और बड़ी दिलचस्प बातें यहाँ पर जानने को मिल रही हैं। इस झील, ये 45 किलोमीटर इस झील की लंबाई है और सामने देखिए आपको बहुत सारे गांव दिख रहे हैं। ये अगेंस्ट द लाइट आ रहा है। ये देखिए सामने आपको बहुत सारे गांव दिख रहे हैं और इन गांव वालों को अगर इस तरफ जाना हो तो इनके पास कोई साधन नहीं है। तो मेरे साथ जो भाई साहब है वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ गांव वालों के लिए सरकारी बोट लगी हुई है, एक टाइम टेबल फिक्स है, वहां से बोट चलती है और वो सभी के सभी गांव वालों को जिसको इस तरफ जाना है यहाँ छोड़ देती है। शाम को 5 बजे इस एंड से जो आप सामने देख रहे हैं आखिरी बोट चलती है और वो गांव वालों को यहाँ पर लेकर आती है। अब सवाल यह है कि किसी की बोट छूट गई तो क्या होगा? अगर किसी की बोट छूट गई तो वो 5 बजे के बाद या तो यहीं रहेगा या फिर वो बुक कर सकता है ना। अब बुक तो मतलब यहाँ 6 बजे की ये प्राइवेट बोटें बंद हो जाती है। अच्छा, हाँ तो सरकारी वगैरह होता नहीं। 6 बजे यहाँ पर बोट बंद हो जाती है यानी 5 बजे तक गांव वालों को यहाँ आ जाना होता है, यहीं रहेंगे। और मैंने इनसे सवाल किया कि अगर कोई बारात आती है इस गांव में तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिर वही बोट बुक करनी पड़ती है और लिख के देना पड़ता है, तो उन्हें भी सरकारी बोट से फिर उन्हें भी फ्री में यहाँ पहुँचाया जाता है। तो पूरी बारात को फ्री में यहाँ पर बोटिंग की राइड बोटिंग करने को मिल जाती है और बारातियों के लिए ये एक एक्स्ट्रा एडवेंचर हो जाता है। तो टिहरी झील के दिलचस्प किस्से हम आपको बता रहे हैं। ये गांव की कहानी मैंने आपको बताई कि इस गांव से अगर उस पार किसी को जाना है तो उसके लिए फ्री में व्यवस्था है, लेकिन बशर्ते वो एक जो टाइम टेबल बना हुआ है वहाँ पर है। इसके अलावा इन गाँव में अब कैंप बनने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे टूर विकसित हो रहे हैं, सड़क भी बनने की तैयारी चल रही है यहाँ पे इन, और कैंप बन रहे हैं, साथ में फ्लोटिंग हट्स हैं, लोग आते हैं यहाँ पे मजे करते हैं, कुछ दिन रहते हैं। और इसके अंदर अब मछलियां भी बहुत सारी मछलियां, केवल मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां भी होगा, सबसे मतलब हाई होगा इसका 8 किलो, 8 किलो, 8 किलो की मछली इसके अंदर है। यानी कि अगर एक मछली मिल जाए तो देवव्रत कांड पर 3 दिन तक उसे खा सकते हैं आराम से। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आप एक शहर के ऊपर तैर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, नीचे एक शहर है और आप उसके ऊपर तैर रहे हैं। अभी इसका सबसे हाई लेवल वाटर है, अभी ये सबसे हाई लेवल है। अच्छा, इसके बाद ये दिसंबर के बाद ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है पानी अपने सबसे हाइट पर है क्योंकि अभी बरसात खत्म हुई है तो उसकी वजह से पानी जमा है। और फिर घट के कितने फीट तक नीचे हो जाता है? करीब 50 मीटर नीचे चला जाता है। 50 मीटर तक इसका जो वाटर लेवल है वो नीचे हो जाता है। और अभी जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा इस वक्त झील भरी हुई है, देखिए। इसे जोड़ने के लिए इसे आर पार जोड़ने के लिए अगर मतलब 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के मतलब सरल बनाने के लिए। तो आप समझिए कि इन गांव वालों को अगर बोट ना मिले किसी वजह से और इस तरफ आना हो तो इन्हें 45 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। और अब उस सफर को कम करने के लिए एक पुल बन रहा है झील के बीचों बीच, झील के बीचों बीच एक पुल बनाया जा रहा है। और वो पुल जब बन जाएगा तो ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि चट्टान तैर रही हो। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही, ये देखिए सामने देखिए ऐसा लग रहा है कि ये चट्टान तैर रही है बिल्कुल, जबकि ऐसा पहाड़ पानी में डूबा हुआ है। हाँ, आधा पहाड़ नीचे है और आधा ऊपर। हाँ, पहाड़ भी डूबा हुआ है। ओ, सुंदर।